हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें इसमें बोला है कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है, एल्टीट्यूड जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है इसके बेस से। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तब आपको फाइंड करना है, फाइंड अदर टू साइड्स। पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है देखिए हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मींस हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ये हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर। ये हमको कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एल्टीट्यूड, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस, ये मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर, और इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, और ये होता है हमारा वेस। अब हम यहाँ मान लेंगे कि हमारा जो एल्टीट्यूड है, सॉरी हमारा जो वेस है वो वेस हम मान लेंगे वेस इज इक्वल्स टू है हमारा एक्स सेंटीमीटर। तब हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमारा जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, इसका मीनिंग क्या, एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो मैं बेस में से 7 को माइनस कर दूंगा, और मैंने माइनस कर दिया तो मेरा अल्टीट्यूड आ गया एक्स माइनस 7। और अब हम यह लगा देंगे क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम लगा देंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वाई पाइथागोरस थ्योरम, वाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हमेशा ध्यान रखिए कि एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर होता है ट्रायंगल में, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर, ए मींस एल्टीट्यूड है मेरा, तो हाइपोटेनियस कितना मेरा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू वेस कितना मेरा, वेस है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए अब हम यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, 13 × 13 होता है हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 × x × 7। देखिए नेक्स्ट में हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 7 × 7 = 49 माइनस 14x। अब मैं नेक्स्ट देखिए ध्यान से, जरा मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इधर लेके आने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 0 = 2x² माइनस 14x को मैं यहाँ लिखूंगा प्लस 49 माइनस 169। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम किस प्रकार करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 2x² माइनस 14x, और इसको मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस 120, और जीरो को मैं इधर साइड लिख दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्व टू जीरो, टू मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिल जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्व टू जीरो, टू कॉमन लिया है तो टू से डिवाइड कर दीजिए और मुझे मिल जाएगा टू हमारा इधर जीरो में चला जाएगा, 0/2 मीन्स जीरो, ये मिल गया मुझे x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए 60 का हम कर लेंगे फैक्टर, तो 60 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे 2 से ये 30 टाइम्स, 2 से ये 15 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, और 5 से ये
वन टाइम्स, तो मुझे लेके आना है 7 और माइनस करने पर आना चाहिए, क्या करने पर माइनस, तो किस प्रकार आएंगे देखिए किस प्रकार हम इसको मैच कराएं कि हमारे जो दो फैक्टर हों उनका जो डिफरेंस हो वो 7 आए, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 2 2 4 और 4 3 12, 12 - 5 = 7 और 12 × 5 = 60, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे x² - 7x - 60 = 0, तो ये हो जाएगा मेरा 12 - 5 × x - 60 = 0, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस से साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 12x और प्लस का 5x - 60 = 0, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा x - 12, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 5x - 12 = 0। अब आप यहाँ से x - 12 कॉमन ले सकते हैं तो मुझे मिलेगा यहाँ x + 5 = 0 और यहाँ से हमको मिल जाएगा x - 12 = 0, x = 12 एंड x + 5 = 0, x = -5। नेक्स्ट देखिए हमारा जो बेस है वो कितना आ गया, तो बेस मेरा आ गया, बेस है मेरा x = हो जाएगा x कितना मेरा 12, इसको नहीं लेंगे क्योंकि x हमारा जो यहाँ पर नेगेटिव है इसको नहीं लेंगे, और एल्टीट्यूड मेरा आ जाएगा l = x - 7 मीन्स 12 - 5, x - 7 मीन्स 12 - 7 = 5 cm, और यही हमारे दोनों आंसर हैं फाइनल। ओके थैंक यू।